राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और हम तो महादेव से प्रार्थना भी करते हैं कि वो हर किसी की जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खासकर अनुपमा की जिंदगी में जो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह हो गई है। बेचारी उसी को संभाल रही है जिसने उसे अब तक सबसे ज्यादा तंग किया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं संभलने की जरूरत तो अक्षरा को भी है जो अभीर के जाने के गम में बिल्कुल टूट कर रह गई है। वहीं गुम है किसी के प्यार में, सभी भागने में कामयाब हो गई है, लेकिन उसकी पहली मुलाकात ईशान से भयंकर तरीके से होने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए पहले चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अनुपमा तो ज्ञान की देवी है जो हमेशा अपने ज्ञान की छींटे दूसरों पर छिड़क कर उन्हें पवित्र कर देती है। अब सावन के पहले दिन भी अनुपमा ने यही किया और माया को यकीन दिला दिया कि वो कितनी गलत है। अब माया को भी अपनी भयंकर गलतियों का एहसास हो रहा है और ये कोप उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसलिए अब माया ने मन बना लिया है कि वो भी सावन में पावन हो ही जाएगी। वहीं अनुपमा ने अभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा और डिम्पी ने अभी से अपनी चालाकी शुरू कर दी है। वो तो समर को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे समर ने भी उसे ज्ञान का घूंट पिला दिया। होता ये है कि अनुपमा माया को समझाती है कि जिंदगी बहुत कीमती है और इसे खुलकर जीना चाहिए। वो माया के आंसू भी पहुंचती है। अब माया को खुद पर शर्म आती है कि उसने अनुपमा के साथ कितना बुरा किया और अभी भी वो उसकी चिंता कर रही है। अब अनुपमा माया से कहती है कि पता नहीं हमारी मुलाकात कब हो, लेकिन मैं छोटी से तुम्हारा हाल चाल लेती रहूंगी और तुमको सबका ख्याल भी रखना है, अनुज का भी। अब माया भी अनुपमा की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अनुपमा बताती है कि जब अनुज ने मुझे छोड़ दिया था तो मैंने जीने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन माँ मुझे अस्पताल लेकर गई जहाँ लोग जिंदगी जीने के लिए लड़ रहे थे और मैं यहाँ जिंदगी गंवाने के बारे में सोच रही थी। वो उसे गले लगाकर विदा लेती है, जिसके बाद माया को अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है। छोटी अनु भी अनुपमा पर प्यार बरसाती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। वो कहती है कि मम्मी ने आपके साथ कितना बुरा भला किया, लेकिन आपने कितने प्यार से उनको समझाया। अब अनुपमा छोटी को संभालती है और उसे माया का ध्यान रखने के लिए कहती है। उधर शाह हाउस में समर काव्य का सामान लेने के लिए जाता है तो डिम्पी भड़क जाती है और समर को सुनाने लगती है कि घर के सारे काम तुम्हें ही क्यों करने होते हैं, तुम्हें कुली बनने का ज़्यादा शौक है क्या, घर का खर्च भी तुम ही उठाओ और सामान भी। अब दोनों की बातें किंजर सुन लेती है। बुरा तो उसे लगता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। अब समर सीधे सीधे डिम्पी को समझाता है कि इस घर में कुछ भी मेरा नहीं है, हमारा है। वहीं दूसरी तरफ माया को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, वो खुद से ही खुद का सामना नहीं कर पा रही है। अब माया ने मन बना लिया है कि वो अनुपमा के जाने से पहले अपनी गलतियों का पश्चाताप करके रहेगी, लेकिन अब देखने को मिलेगा कि अनुपमा के चक्कर में माया की जान खतरे में पड़ जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अभिमन्यु का हाल बुरा है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अभीर को नहीं संभाल पा रही है। उसे तो लग रहा है कि वो अपने बेटे के बिना कैसे रह पाएगी। अब बिना औलाद के रहना किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल है। अब अभीर ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला और रूही ने भी कह दिया है कि अभीर यहाँ आएगा तो वो खुश नहीं रहेगा। बताओ, बच्ची ये बात समझ गई, लेकिन मंजरी और अभिमन्यु इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। होता ये है कि अभिमन्यु अभी भी अक्षरा की चिंता में गुम है, उससे उसका दर्द ही नहीं देखा जा रहा। अब आरोही भी मौके पर आकर अभिमन्यु को ताना मारते हुए मिठाई ऑफर करती है और कहती है कि मुंह मीठा कर लो, तुम तो केस जीत गए। अब मिठाई देखकर अभिमन्यु फटपड़ता है और कहता है कि ये केस मैं जीता हूँ और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये सोचते थे कि मैं अभीर का पिता बनने लायक नहीं हूँ और मुझे उससे दिन में कितनी बार मिलना है और कितना नहीं। मैं इस गिल्ट में नहीं हूँ कि मैंने सही किया है या गलत, मैं अब ऑफिशियली अभीर का पिता हूँ और उस पर मेरा हक है। आरोही कहती है कि जब खुश होने की बात है तो खुश नज़र क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मैं किसी से कुछ छीनना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हुआ, मैं अक्षरा और शर्मा जी का दर्द नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ अभीर केक और गुब्बारों से अक्षरा और अभिनव का स्वागत करता है। उसे तो लगता है कि जैसे उसके मम्मी पापा ने केस जीत लिया है। हालांकि दोनों के रोते हुए चेहरे देख कर अभीर घबरा जाता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर किसी के साथ नहीं जाएगा। अब केस हारने की बात सुनकर अभीर खुद को गुस्से में कमरे में बंद कर लेता है और कसौली जाने के लिए बैग पैक करने लगता है। उस बेचारे को लगता है कि उसके असली पापा उसे कसौली में नहीं ढूंढ पाएंगे।
अब अक्षरा अभीर को समझाती है, लेकिन अभीर को सिर्फ अक्षरा और अभिनव भी चाहिए। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभीर को उसके असली पापा के बारे में यानी अभिमन्यु के बारे में बताएगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में, सभी तो हमारी सही पड़ गई है और हर चीज का जुगाड़ निकाल लेती है। बस हमारी सभी ने लिफ्ट ली, वो भी ईशान से। अब ईशान की गाड़ी में बैठकर उसी की गाड़ी का शीशा फोड़कर सभी कंपटीशन के लिए निकल गई है। बेचारी भागते भागते कंपटीशन के लिए आखिरकार पहुंच गई। अब बाकी छात्र और मैडम की हिम्मत भी बढ़ गई है, क्योंकि सभी इतनी होशियार है कि उसके बिना कंपटीशन जीत पाना नामुमकिन है। उधर भवानी के प्राण सूख रहे हैं, क्योंकि सभी घर से गायब है और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब भवानी की नाक का सवाल है। अब देखो कि सभी घर आती है तो भवानी उसका क्या हाल करती है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी और ईशान के तार भी जुड़े हैं। अब देखना होगा कि दोनों के दिल कब मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।